नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका और हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम जो है अपने पैरेट को बोलना कैसे सिखाएं। दोस्तों, मेरे पास कई कमेंट्स आए, इसलिए मैं जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। जो मेरे पास कमेंट्स आए उनमें काफ़ी लोगों ने पूछा कि हमारे पैरेट बोलना सीख ही नहीं रहा है, हम मुझे बहुत टाइम हो गया बोलना सिखा रहे लेकिन नहीं सीख रहा है, और कैसे सिखाएं। इस टाइम में आप एक वीडियो बना दीजिए ताकि हमने जो है अपने पैरेट को हम बोलना सिखा सकें। दोस्तों लीजिए, मैंने वीडियो भी बना दिया है। अब तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे अपने पैरेट को बोलना सिखाएं। दोस्तों, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेट कब तक बोलना सीखता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं रिंगनेक पैरेट और एलेक्जेंडाइंस की। तो रिंगनेक और एलेक्जेंडाइन पैरेट्स की आवाज़ जो होती है वो काफ़ी साफ होती है दूसरे पैरेट्स के मुकाबले। तो दोस्तों, इनकी जो सीखने का जो टाइम होता है वो होता है 12 मंथ्स, यानी 1 ईयर तक। ये 1 साल के हो जाते हैं जब तक ये सीखते हैं बोलना। ऐसी बात नहीं है कि ये बोलना सीख जाते हैं उसके बाद ये भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो है 1 ईयर तक वो जो आप चीज़ें सिखा रहे हैं वो सीख जाएंगे, उसके बाद जो है ये जो है वही चीज़ें रिपीट करेंगे और आगे और नए वर्ड्स नहीं सीखते 1 ईयर के बाद। दोस्तों, अगर आपके पास कॉकटेल है, कॉकटेल जो होता है वो जो है एक मतलब जो है एक ऐसा पैरेट है जो विसल करता है। ये कॉकटेल जो होते हैं वो बोलना नहीं सीखते, ये सिर्फ विसल करते। ये इतनी अच्छी विसल करते कि कोई पैरेट इनके मुकाबले इतनी अच्छी विसल नहीं कर सकता। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे पैरेट की। अगर आपके पास बजीज है मान लीजिए, तो जो है बजीज भी काफ़ी अच्छा बोलते हैं वैसे, लेकिन बजीज इंग्लिश ज़्यादा अच्छी बोलते हैं। हिंदी इतनी अच्छी नहीं बोलते, इंग्लिश ज़्यादा अच्छी बोलते हैं बजीज। और इनका जो टाइम होता है सीखने का ये होता है 6 मंथ से लेकर 12 मंथ तक। दोस्तों बजीज जो होते हैं कुछ बजीज 6 मंथ तक ही सीखते हैं और कुछ 12 मंथ तक ही सीखते हैं। तो दोस्तों ये जो है अलग अलग डिपेंड करता है बजीज पे, बजीज में भी काफ़ी कैटेगरीज होती है तो उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि हम अपने पैरेट को बोलना कैसे सिखाएं। दोस्तों ये जो है एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि पैरेट को बोलना सिखाना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और इतनी मेहनत लगती है कि आप रोज़ बोल रहे हैं अपने पैरेट को, एक ही वर्ड अगर आप सिखा रहे हैं और फिर भी अगर पैरेट वो नहीं सीखता तो यार मतलब एक बहुत दुख होता है कि हमने इतनी मेहनत करी लेकिन हमारा पैरेट नहीं सीख रहा। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप ईजीली जो अपने पैरेट को सिखा सकें। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे सिखाएं। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि जब भी आप जो है मान लीजिए आपका पैरेट को आपने केज में रख रखा है, तो आप उसके सामने बैठ जाइए। उसके बाद जो है आप उसे वर्ड्स सिखाइए, मतलब जो है आप एक छोटे से बड़े वर्ड्स पर जाइए, जैसे कि सबसे छोटा मतलब जो है छोटा वर्ड ले लीजिए, जैसे हाय सिखा रहे हैं आप पैरेट को, अपना हाय करना सिखा रहे हैं, हाय हाय बोलना सिखा रहे हैं कि वो हाय बोले, तो आप जो है उसे हाय बोलिए। आप उसे जितने छोटे वर्ड्स हैं वो सिखाइए सबसे पहले, तो जिससे आप हाई सिखा रहे हैं, जैसे कि आपका पैरेट हाई सीख गया, आप उसे बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए, जब तक वो ना सीखे भले 1 महीना लग जाए, वो आप उसे हाई सिखाइए। उसके बाद थोड़े बड़े वर्ड्स पर आइए, और जब पैरेट जो है थोड़े बड़े वर्ड्स मतलब जो है जैसे कि कोई थोड़ा बड़ा वर्ड जो बहुत बड़े होते हैं वर्ड, जब वो पैरेट सीखने लग जाता है तब आप पैरेट्स को कोई भी वर्ड जो है इजीली मतलब जो सिखा सकते हैं। और जब पैरेट 10 to 12 वर्ड जब सीख लेता है तो अपनी अलग लैंग्वेज बना लेता है, और जो है ये तरीका जिससे आप अपने पैरेट को सिखा सकते हैं बोलना। तो दोस्तों जो है ये वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल से नए तो सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर जरूर बताइए।